भाजपा के नेता ये नहीं चाहते कि जेजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव जो है लड़ा जाए। बीजेपी के नेता ये भी नहीं चाहते कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी को अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन भाजपा का शीर्ष मंडल ये चाह रहा है कि जेजेपी को साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। हमने आपको शनिवार को एक खबर दिखाई थी कि लगभग जो है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट सा गया है, और काफ़ी सोशल मीडिया और टीवी चैनलों ने यह खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी कि दोनों का गठबंधन लगभग जो है टूट गया है। उस खबर का ये असर हुआ कि ये खबर शीर्ष नेताओं तक पहुंची, जितने भी टीवी चैनलों तक ये खबर गई थी तो शीर्ष नेताओं तक ये खबर पहुंची। तो अभी की बड़ी खबर ये है कि जेजेपी ने कल घरौंडा में एक जन्नत बैंकट हॉल है वहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है मीटिंग बुलाई, और वहाँ पर कई बड़े अहम फैसले जो हैं लिए गए। हालांकि उस मीटिंग में मीडिया को जो है दूर रखा गया, बाद में दुष्यंत चौटाला जो है मीडिया के सामने आए। और इधर जो दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि अब जेजेपी को एक सीट लोकसभा में दी जा सकती है। जी हाँ, एक बड़ी और अहम खबर यह है कि जेजेपी को हिसार या भिवानी से एक सीट जो है दी जा सकती है, और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी जो है उसमें किसी को जो है उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला को ही उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि वीडियो जो है मीडिया के माध्यम से जो है शीर्ष नेताओं तक पहुंची, और प्रधानमंत्री खुद चाह रहे हैं कि जेजेपी को एक जो है सीट दी जाए। हिसार और भिवानी की जो है बात चल रही है, तो अब पाला जो है बीजेपी के खाते में चला गया है। बीजेपी अब सोच समझ के जो है सीट दे सकती है, क्योंकि एनडीए की बात चल रही है। एनडीए से बात करने के लिए डॉक्टर अजय चौटाला जो पार्टी प्रमुख हैं उन्हें जो है दिल्ली भेजा जाएगा और बातचीत की जाएगी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ। जेजेपी चाह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़े, और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, हरियाणा के नेता हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि जेजेपी को जो है दोबारा जो है उनके साथ बीजेपी के साथ मिलाया जाए। तो अब एक लोकसभा सीट पर सहमति जो है बनती नजर आ रही है, भिवानी या हिसार जो है। हिसार दुष्यंत चौटाला खुद चाह रहे हैं कि हिसार से जो है उन्हें अपना उम्मीदवार उतारें, लेकिन भिवानी जो है एक विकल्प और रखा गया है। तो अब जेजेपी जो है चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी के साथ, और बीजेपी भी चाह रही है, शीर्ष नेता ये चाह रहे हैं कि लोकसभा की एक सीट जो है वो दे दी जाए। और अभी जो कल की मीटिंग हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें भी ये संदेश दिया गया है कि वो एनडीए के साथ हैं, यानी कि बीजेपी के घटक दल के साथ हैं। और अब वो अजय चौटाला और जो उनकी टीम बनी है वो दिल्ली जाकर शीर्ष नेताओं से मिलेगी और बातचीत करेगी। उधर बीजेपी को भी एक मौका ये मिल गया है कि जेजेपी को अगर एक सीट से उतारा जाता है, क्योंकि जाट वोट बैंक जो है बीजेपी से दूर है और जेजेपी के नज़दीक है, तो अगर जो जेजेपी जीतती है तो बीजेपी को भी फायदा होगा, क्योंकि जाट वोट बैंक है जो, क्योंकि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, तो बीजेपी को जाट वोट जो है मिल सकता है। अगर जो लोकसभा सीट हार जाती है, जेजेपी हार जाती है, तो भी बीजेपी जो है इसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज मीडिया में ये खबरें छपी हैं कि अगर जो जेजेपी हार जाती है लोकसभा सीट, तो बीजेपी भी इसको भुनाएगी, और भविष्य में जो विधानसभा चुनाव होने हैं बीजेपी को एक मौका मिल जाता है उनसे दूर होने का। तो फायदा जो है बीजेपी को दोनों तरफ है। और तीसरी बात यह है कि प्रदर्शन के मुताबिक अगर जो जेजेपी अच्छा प्रदर्शन कर लेती है लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी जो है विधानसभा में भी जो है लगभग उनका जो तरीका है चुनाव लड़ने का और गठबंधन, वो चुनाव लड़ सकती है। अगर जो एक बात और भी जो है निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा में अगर सीट ना दी गई दुष्यंत चौटाला को, तो विधानसभा में शेयरिंग की सीटों पर जो है बातचीत हो सकती है। मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के पाले में हैं, और जेजेपी के जो आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो चाह रहे हैं, क्योंकि जेजेपी की जो काट है किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि जेजेपी चुनाव के दौरान बीजेपी को जमुना पार की बात करती थी, लेकिन बाद में जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर जो है दोनों ने सरकार बनाई और डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला को बना दिया। ऐसे में उनके जो मतदाता हैं या उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज नज़र आ रहे थे, और ख़ास तौर पर
वोटर जो है बड़े नजर आ रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो है जेजेपी को मैदान में उतारा था और उन्हें जिताकर जो है भेजा था, लेकिन मामला उल्ट पड़ गया। तो अब देखते हैं कि इस सारे मामले में क्या होता है। तो फिलहाल अंदर की खबर यह है कि हिसार या भिवानी पर जो है दोनों में सहमति बन सकती है। एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है, वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। लोकसभा कितनी सीटों पर तालमेल बन सकता है आज के दिन? तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे, बैठ के चर्चा करके इस पर निष्कर्ष। सर, कल बीजेपी ने कुछ दिक्कतें डिक्लेयर कर दी है, लेकिन हरियाणा को अलग रखा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण दे पाए। कल तो जी बार बार बयान देंगे कि जेजेपी को बहुत 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने? ले आओ कोई नई चीज। हुड्डा साहब तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में। पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मान, पर जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। एक नया फार्मूला है, क्या चर्चा ये है कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा, चुनाव की अमल करेगा। मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच से कमजोर निकल। पिछले दिनों जो रेवाड़ी में एक जन सैलाब प्रधानमंत्री की रैली में उमड़ा था, वहां पर भी संकेत ये दे दिए गए थे कि जेजेपी को वो दूर नहीं करना चाहती। हालांकि बीजेपी के ऊपर ये आरोप जरूर लगते रहे हैं कि वो एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनको छोटा दिखाने में, यानी कि उनको ज़्यादा ऊपर उड़ने नहीं देना चाहती, और इस अगर जो जेजेपी को सीट दे देती है तो ये संदेश भी जो जाएगा कि वो एनडीए को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो अभी बीजेपी के साथ मीटिंग होगी जेजेपी नेताओं की, और एक लोकसभा सीट जो है मांग सकती है जेजेपी, और इस पर जो है जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी के बड़े नेता लगभग ये तय कर मान रहे हैं कि जेजेपी को एक सीट जो है दे दी जाए। जैसे कांग्रेस और आप पार्टी में समझौता हुआ है, आप पार्टी को कुरुक्षेत्र से जो है लोकसभा सीट दी गई है और डॉक्टर सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो वैसे ही एक सीट जो है बीजेपी जेजेपी को देने की तैयारी कर रही है। अभी कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा और इसी महीने के एंड में, यानी कि मार्च महीने के एंड में जो है आचार संहिता लग सकती है और चुनावों की घोषणा जो है हो सकती है। बीजेपी ने पूरी तरह जो है कमर कसी है, लेकिन कांग्रेस जो है इस मामले में कमज़ोर होती नज़र आ रही है। कांग्रेस की तरफ से अभी ना तो कोई कैंडिडेट की बात चल रही है, ना ही लोकसभा स्तर पर या विधानसभा स्तर पर चुनावी कार्यालय खोले जाने की बात जो है वो भी अभी बड़ी दूर है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने जो है तमाम तैयारी कर ली है। और बीजेपी के तो जो तमाम घटक दल हैं, यानी कि एनडीए में जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो सभी चाहती हैं कि वो बीजेपी के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी आज के समय में लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मानी जा रही है। तो हर कोई चाह रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी की पार्टी जो बीजेपी है उनके साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ा जाए। और जेजेपी के नेता भी जो है आनन फानन में, इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो गरौंडा में बुलाई थी और उसमें भी कहीं अहम फैसले लिए गए थे, और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र भी जो थी इस मीटिंग के ऊपर थी कि क्या वो लोग जो है फैसला लेते हैं। लेकिन फैसला जो है अभी तक अंदर की बात है कि सब में सहमति यही जताई गई है कि वो बीजेपी के साथ जाएं और बीजेपी से एक बार जो है बातचीत जरूर करें कि वो एक सीट से जो है लड़ना चाह रहे हैं। हिसार सीट से जो है दुष्यंत चौटाला ने सहमति जताई है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि सारे मामले में क्या होगा। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।